Happy Dashara, guys. Everyone is focusing on the festival, but no one is focusing on the concept behind that. The concept behind that is बुराई पर अच्छाई की जीत. तो बुराई पर अच्छाई की जीत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. सो लेट्स टेक ए नोट कि आज से हम लोग ट्रेडिंग की अपनी बुरी आदतों को छोड़ के नई आदतों को एक्सेप्ट करेंगे, न्यू हैबिट्स बनाएंगे. सो ये 6 गुड हैबिट्स हैं. सबसे पहला, फॉलो द ट्रेंड, बिकॉज ट्रेंड इज ऑलवेज अवर फ्रेंड. सो अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक अच्छी एंट्री मिलेगी एंड एग्जिट पे आपको अच्छा ही मिलेगा. अगर ट्रेंड अपसाइड है एंड आप उसमें डाउन साइड की एंट्री ले रहे हैं तो आपको हमेशा लॉस ही होगा. सेकंड, डोंट टेक अर्ली एंट्री. सो ट्रेंड फॉलो हो गया, अब बारी आती है एंट्री करने की. सो अगर आपने अर्ली एंट्री ले ली तो आपको स्टॉप लॉस हिटिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं. तो ना तो हमें अर्ली एंट्री लेनी है, ना ही हमें अर्ली एग्जिट करना है. अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, स्टॉप लॉस. तो स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर रखना है, बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे सिस्टम में तो आपका जो ट्रेडिंग, जो आपका ट्रेड है वो आपका इन्वेस्टमेंट में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा. फोर्थ पॉइंट, चेक पोजीशन साइज. अपना पोजीशन साइज जरूर चेक करें. आपका एंट्री एंड आपका एग्जिट लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन साइज, यानी कि आपको कितने लॉट्स या कितनी क्वांटिटीज बाय करनी है उस पर ध्यान रखें. फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिट्स. सो अगर आपने ये चारों पॉइंट्स फॉलो करके एक अच्छी एंट्री ले ली एंड आपको प्रॉफिट आ रहा है, सो प्लीज उसको बुक करके एग्जिट करें. अदरवाइज क्या होगा कि आपका स्टॉक कन्वर्ट वापस से नीचे डाउनसाइड आएगा और आपको उसमें लॉस होगा. सिक्स्थ पॉइंट, अवॉइड टेकिंग टू मच ट्रेड्स. ज्यादा ट्रेड करने से आपको पैसा नहीं मिलने वाला, एक या दो मैक्सिमम अच्छे ट्रेड इंट्राडे मिलेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा पैसा बनेगा, रादर देन टेकिंग टू मच ट्रेड्स. ठीक है गाइस, प्लीज फॉलो फिनएक्सपर्ट एंड हिमांशु गुरा टू गेट मोर फाइनेंशियल बिट्स.